नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं दिखाने जा रही हूं ओटी सेटअप, हमारी जो ओटी है वो किस हिसाब से सेट करते हैं, ओटी सेटअप कैसे रखते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को विजिट कराते हैं अपने ओटी की। मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि ओटी किस तरह से रखी जाती है और ओटी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या मशीनें वगैरह पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओटी के अंदर क्या क्या है। करते हैं एंट्री और ये वो एरिया है जहाँ पर सारा ओटी का सामान रखा जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये चटल फोरसेप है, आप देख सकते हैं ये, एंड ये है बीटाडीन, ये देख सकते हैं बीटाडीन है, एंड ये सात पिन है, इसमें सात पिन रखी जाती हैं, एंड ये है आपका सेवलॉन, और इसके अंदर है ये देखिए सीजर। तो और ये एक खाली ट्रे है, इसके अंदर प्लेन वाटर डाल के सीजर को वॉश करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, एंड ये जो ट्रॉली है इसी के लिए लगाई जाती है, एंड ये आप देख सकते हैं ये है स्पंज ड्रम, इसके अंदर स्पंज है, एंड ये है ड्रेसिंग ड्रम, इसके अंदर ड्रेसिंग है, और ये देख सकते हैं ये दो ट्रॉली हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, जब भी कोई ऑपरेशन आता है तो इनमें इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। एंड ऊपर आप देख रहे हैं वाइट, तो ये एप्रिन है, एंड इसमें वाइट तो ये है स्टेबलाइजर, यहाँ से सक्शन मशीन चलती है, एंड ओटी लाइट जलती है, कॉटरी भी चलती है। तो सारे जो भी लाइट्स का रहता है उसको मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर देते हैं कि बीच में ऑपरेशन करते समय डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए ये लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे है एसी, बड़े पावर एसी लगी हुई है यहाँ पर, और ये देख रहे हैं ये है ओटी लाइट, ये जो ऊपर राउंड राउंड सी है ये है ओटी लाइट, ये देखिए। तो ये लाइट्स ऑन होती है जब भी ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन सीट स्टेयर्स थी, बट वो चला गया है, अभी है नहीं, और अभी एक अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं दिखा दूँगी। और ये है एनेस्थीसिया ड्रगर, ये देख सकते हैं ये एनेस्थीसिया ट्रॉली है। तो यहाँ पर कुछ एनेस्थीसिया इंजेक्शंस वगैरह इमरजेंसी ट्रे लगी रहती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑल टाइप्स के इंजेक्शंस हैं। ये छोटे छोटे फ्लूड भी हैं यहाँ पे 100 ml, जैसे PCM हो गया एंड डेक्सट्रोज वगैरह, और आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे डिस्पोज वगैरह हैं, और यहाँ पर फॉलिस कैथरेटर, म्यूकस सेक्शन, यानी कि जो भी ऑपरेशन के दौरान जो भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें इन ट्रॉली में लगा कर रख दिया जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं ये O2 सिलेंडर है, तो ये बिग साइज सिलेंडर होता है, तो ये भी अटैच्ड करते हैं ऑपरेशन के समय। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये है मॉनिटर, तो ये आपके कार्डियक मॉनिटर है, ये देखिए। तो और ये सारा एनेस्थीसिया का सामान है, तो ये आप देख सकते हैं लैरिंजोस्कोप वगैरह है, एंड वेन सर्किट है, और यहाँ पर ये छोटा ओटो सिलेंडर है, यहाँ पे कुछ फ्लूड्स वगैरह। तो एनेस्थीसिया जो यहाँ पे ड्रगर हैं वो दो हैं, और ये है ऑपरेशन चेयर्स जिसमें से पेशेंट को लिटा के हम ऑपरेशन करते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये बेबी वार्मर है, ये देखिए। तो यहाँ पे इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है बेबी का, जब भी वो टमी से बाहर आता है तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये बेबी अम्बू बैग है, और ये देख सकते हैं अंगूठा लगाने के लिए, तो ये पैड वगैरह भी रखा है, इंक पैड, तो यही सारा है। और यहाँ पे ये वार्मर है, यानी झूला, बच्चे को यहाँ पर लेटाते हैं, वहाँ से वार्म करते हैं, एंड बच्चे का जो भी नियोनेटल केयर होता है वो तुरंत यहाँ पे इमिडिएटली यहाँ पर देते हैं। एंड नेक्स्ट ये देख सकते हैं ये है सक्शन मशीन, तो सक्शन मशीन और भी है तो मैं आपको दिखा दूँगी आगे। और ये है वेट मशीन, बच्चे का वेट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये बच्चे का ट्रे रिसीव करने के लिए है, एंड ये है वेट मशीन, तो इसमें से बच्चे को हम वेट करते हैं जैसे ही आउट होता है। तो मैं ये सारा चीज़ आपको सेटअप दिखाने के लिए ही ओपन कर रही हूँ,
ये देख सकते हैं, ये वेट मशीन है। और वो नियोनेटल जब भी बच्चा रिसीव करने वाला ट्रे है। एंड ये एसी आप देख रहे हैं, तो ये एसी का इन्वर्टर है। एंड ये फैन है और ये दो इन्वर्टर लगे हैं। ये यहाँ पे दो सक्शन मशीन, आप ये जो देख रहे हैं लकड़ी का, इसको बोलते हैं पटरा, यानी कि अगर कोई भी सर्जन हाइट में कम है या उसे अपर हाइट चाहिए तो ये नीचे पटरा लगा के भी ऑपरेशन करते हैं। एंड ये है कॉटरी मशीन, ये देखिए कॉटरी, आप जानते होंगे जैसे छोटे मोटे वूजर वगैरह रहते हैं तो उनको कॉटरी से तुरंत ब्लीडिंग रोक देते हैं, यानी उसको जोड़ देते हैं, यानी वहाँ पे सूचस का काम नहीं होता है, केवल कॉटरी मशीन। ये देखिए ये है पूरी कॉटरी मशीन, ये तो इसको बोलते हैं कॉटरी मशीन। तो ये सारा सामान है। और ये डस्टबिन है, 1, 2 एंड 3, दो एनेस्थीसिया के लिए रहता है एंड एक ऑपरेशन के लिए रहता है। एंड एक बारी एक्सपोज करते हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह हो गया, मास्क, कैप, ये सारी चीज़ एक्सपोज करने के लिए वो हो गया। और थोड़ा सा मैं और बता दे रही हूँ, अब जा रही ओटी के बाहर का, जो बाहर का व्यू है, तो ये है बॉयलर, इसमें से सारे इंस्ट्रूमेंट बॉयल करते हैं। तो इसको देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ पड़ा है। एंड ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये बिग साइज सिलेंडर है एंड ये छोटे साइज सिलेंडर हैं। और ये यहाँ पर वाटर है, प्लेन वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सारी चीज़ें रखी है क्लीनिंग के लिए। एंड ये जो एरिया है, यहाँ पर रखते हैं हम एम्प्टी सिलेंडर और यहाँ पर रखते हैं हम पूरा ऑक्सीजन फुल सिलेंडर। तो ये देख सकते हैं आपने, ये बनाया है बैनर, एमरजेंसी ऑक्सीजन फुल सिलेंडर एंड एमरजेंसी एम्प्टी सिलेंडर। फ्रेंड्स, आपने देखा, ये है हमारा ओटी सेटअप। तो ओटी सेटअप देखने से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस तरह से ओटी सेटअप होता है, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम नर्सिंग कर रहे होते हैं, तो हमें डर लगता है कि ओटी कैसी होगी, ऑपरेशन थिएटर कैसा होगा। तो ये जो भी ऑपरेशन थिएटर है, ये सारे गवर्नमेंटेड के रहते हैं, इस हिसाब से प्राइवेट में थोड़ा और क्लीन वगैरह रहते हैं और थोड़ा ज़्यादा सेटअप रहता है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।